हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यार, काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे नई वाली TVS अपाचे RTR 164V हमारे यहाँ, यानी मेरे रायपुर छत्तीसगढ़ में आए। बट यार, काफ़ी दिनों के बाद ये बाइक आई है, थोड़ी सी लेट आई है, बट कोई बात नहीं भाई, देर है, दुरुस्त वाली चीज़ अच्छी होती है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इस बाइक के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आपको ये क्या प्राइस देखने को मिल रही है और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बाइक में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों ने इसका एग्जॉस्ट सुन लिया है। हालांकि यार, नया जो है आप लोगों को साइलेंसर यानी कि एग्जॉस्ट इस बाइक में देखने को मिला है। हालांकि मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिला यार, थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट पहले की तरह ही मिला है। थोड़ा सा जो है बाइक मुझे लाउड ज़रूर लगी है। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को भी शुरू करते हैं, इस बाइक के बारे में बात कर लेते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते बात करते ब्रांड न्यू TVS अपाचे RTR 164V के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि एक स्पेशल एडिशन है, तो प्राइस जो है इसका थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ये आपको एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,30,090 रुपीज, 1,30,090 रुपए के आसपास की आपको ये बाइक एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फर्क होता है। ये बाइक हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,56,000, 1,56,000 रुपए के आसपास की आपको ये बाइक ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों, आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप इस बाइक का एग्जॉस्ट देख लीजिए, जो कि आपको मेजर चीज आपको बाइक में देखने को मिली। हालांकि ये जो कलर है, ये कलर ऑप्शन भी नया है, लेकिन आप लोग एग्जॉस्ट देख लीजिए। ये जो एग्जॉस्ट है वो आपको बाइक में जो है नया देखने को मिला है, तो ये भी मुझे जो है काफी ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इस बाइक के सबसे पहले फ्रंट में, इस बाइक की लाइट्स के बारे में। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं कि अपाचे RTR 164V में आपको जो लाइट्स देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बाइक में आपको जो मेन लाइट देखने को मिलती है, उसमें आपको सबसे पहले 20 सेंटर में LED डियरल लाइट देखने को मिलता है, जिससे बाइक का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। मेन लाइट के बारे में बात करें तो मेन लाइट में आप लोगों को बाइक में फुली LED सेटअप में जो है इस बाइक में जो है लाइट्स देखने को मिल जाता है। बाइक की जो लाइट की इल्यूमिनेशन यानी कि जो विजिबिलिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा आपको कोई फॉग लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। टर्न सिंगल लैप में बाइक में आपको नॉर्मल बल्ब टर्न सिंगल लैप देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है TVS वालों को ये भी अपडेट करना था यार, ये लोगों को LED दे देनी चाहिए थी। बात करें सस्पेंशन के बारे में, फ्रंट में आपको बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि बाइक के जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के फ्रंट टायर साइज के बारे में, तो फ्रंट में आपको बाइक में 90-90 की जो टायर साइज है वो फ्रंट में हमें देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में दोस्तों इस बाइक में आपको सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है इस बाइक में देखने को मिलता है। ये EBS है, जो कि सिंगल चैनल EBS आपको बाइक में देखने को मिलता है। एंड मैं आपको क्लियर कर दूं, सिंगल चैनल EBS को ही सुपर मोटो EBS भी कहा जाता है, तो फिर ये आप मत समझना कुछ अलग चीज है। ना ना भाई, वो उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, बाकी बात करें प्लेट साइज के बारे में, तो फ्रंट में 270 mm की जो प्लेट है वो फ्रंट में आपको बाइक में देखने को मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इंजन टाइप में इस बाइक में 159.7 cc का ऑयल कूल्ड SI 4-स्ट्रोक SOSC सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इस बाइक की पावर एंड टॉर्क के बारे में। दोस्तों, इस बाइक में मैक्सिमम पावर में आपको 17.55 के आसपास की PS पावर देखने को मिलती है, जो कि 9,250 RPM पर पावर जनरेट करती है। मैक्सिमम टॉर्क में 14.73 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 7,250 RPM में पावर जनरेट करता है। देख पा रहे दोस्तों, बाइक में आपको पावर इंजन जो टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है, इस सेगमेंट की ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक है अपाचे RTR 164V। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों ये बाइक बहुत ज़्यादा आपको अच्छी मिलेगी। कूलिंग सिस्टम में बाइक में आपको ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है। फ्यूल सिस्टम में आपको बाइक में FI देखने को मिलेगा, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। नंबर ऑफ 4 सिलेंडर के साथ में इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है। साथ में बाइक में आपको 5 गियर, जी हाँ, बाइक में आपको नंबर ऑफ 5 स्पीड गियर बॉक्स जो है वो बाइक में देखने को मिल जाते हैं। वन नंबर ऑफ 1 सिलेंडर के साथ में ये बाइक आती है। प्लस आपको बता दूँ, बाइक में आपको नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट जो क्लच है वो बाइक में देखने को मिल जाता है। सोता दोस्तों, इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन, जैसे आप लोगों ने देखा कि बाइक में आपको बहुत बेहतर और बहुत अच्छा सा जो इंजन है वो देखने को मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी भी TVS वाले ने यूज़
की गई है। चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों माइलेज के बारे में अगर बात करें तो ये बाइक आपको अराउंड 42-45 40 से 45 के आसपास का जो माइलेज आपको निकाल कर देगी, मतलब बाइक में आपको जो माइलेज है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। 0-100 में इस बाइक को लगभग 15 सेकंड लगते हैं। टॉप स्पीड इस बाइक की 115 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों रियर की तरफ आते हैं। टेल लाइट में बाइक में आपको एलईडी टेल लाइट देखने को मिलेगी, जिससे बाइक का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। प्लस रियर में बाइक में आपको 200 mm की जो डिस्प्ले है वो आपको रियर में देखने को मिलती है। प्लस रियर में आपको बाइक में 130-70 का जो टायर साइज है वो रियर में आपको देखने को मिलता है। प्लस रियर में आपको बाइक में मोनोशॉक जो सस्पेंशन है वो आपको बाइक में देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में, जो कि इस बाइक की मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। सबसे पहले आप बाइक की देख लीजिए, कुछ टाइप की जो आपको बाइक में देखने को मिल जाएगी। बात कर ले दोस्तों स्पीडोमीटर के बारे में, तो बाइक में आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर जो है इस बाइक में देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे फीचर आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगे, जैसे स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑटोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर। साथ में बाइक में आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी यानी कि मोबाइल कनेक्टिविटी भी आपको बाइक में देखने को मिल जाएगी। मतलब दोस्तों अपाचे RTR 164V में आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। इवन बाइक में आपको राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं, राइट हैंड साइड में स्विच दिए गए राइडिंग मोड्स के, जिसमें आप स्विच मतलब मोड चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ 3 मोड्स आते हैं, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट्स। तो मुझे लगता है दोस्तों मोड्स के मामले में भी ये बाइक बहुत ज्यादा बेहतर है। स्विचेस में लेफ्ट हैंड साइड में पास स्विच, लो बीम, हाई बीम, टर्न सिग्नल लैंप, इन्फो का स्विच मिलता है। राइट हैंड साइड में इंजन कल स्विच, राइडिंग मोड्स का स्विच, प्लस सेल्फ का जो स्विच आपको बाइक में मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस बाइक की डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो 2035 mm की है, ओवरऑल विड्थ अराउंड 790 mm की, ओवरऑल हाइट अराउंड 1050 mm की, एंड इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 180 mm की, 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। बाइक की जो सीट हाइट है दोस्तों है 800 mm की, मतलब आपकी हाइट अराउंड अगर 5.4 है उससे ऊपर है तो आप कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। व्हील बेस है 1357 mm की, कर्व वेट है 146 kg का, एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर की, 12 लीटर की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू TVS अपाचे RTR 164V के नया स्पेशल एडिशन का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को ये बाइक कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुमित करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोगों को मुझसे और बात करनी है तो आप लोग दोस्तों इंस्टाग्राम में भी आके बात कर सकते हो, सेम नाम द समीर व्लॉग्स के नाम से मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं, आप कमेंट भी कर सकते हैं तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सुमित करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।